ये हमारे पंचायती राज के कार्यपालक सहायक हुए और अध्यक्ष भी हुए, इनसे आज हम कुछ सवाल करते हैं कार्यपालक सहायक के बारे में। आज हड़ताल का छठा दिन बीत रहा है लेकिन अभी तक सरकार इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया है, तो आप लोग का इसके आगे मतलब क्या निर्णय है, आप थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। मैं श्याम प्रजापति, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण बिहार पंचायती राज विभाग के। सरकार द्वारा जो यह नीति अपनाई गई है, वोट डालो राजनीति करो, यह नीति हम लोग सफल नहीं होने देंगे। मैं आज हम लोग का छठा दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का हो गया। मैं सरकार से यही पूछना चाह रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार महोदय से यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपनी आवाज में पूरे मंच पे आपने यह घोषणा किया था चौधरी कमेटी का, जिसमें यह घोषणा किया था कि सभी संविदा कर्मियों की नौकरी 60 सालों तक बनी रहेगी, इनको कोई नहीं हटा सकता है। इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो एक अस्थायी कर्मचारी की हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन उसमें और ये भी चीज था कि इनकी सेवा 60 सालों तक बनी रहेगी, इनको सरकारी मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, यह सारी सुविधाएं इनको दी जाएगी। लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि आप ही के पदाधिकारी BPSM के जो शासी परिषद के 29वीं बैठक में निर्णय लेते हैं कि इनकी बहाली जो है, इनकी सदस्यता जो है, कार्यपालक सहायक की जो बहाली है, यह अब बंद कर दी गई है, इनका पुनर्नियोजन नहीं हो जाए किया जाएगा, इनको समायोजन किया जा रहा है बेटों के द्वारा, इनको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, दक्षता परीक्षा देना पड़ेगा। तो मैं माननीय नीतीश कुमार महोदय से यह पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, आप ही के आदेश के, आप ही के पदाधिकारी और हेल्ला कर रहे हैं, यह कैसा आदेश है? आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जो आपके आदेश की अवहेला आपके पदाधिकारी ही कर रहे हैं? और हम लोग कार्यपालक सहायक लगभग 12 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, डिजिटल बिहार हम लोगों ने बनाया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को सफल किया, 7 निश्चय Part 2 योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, RTPS हमारा सफल हुआ, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम सफल हुआ, हम IT सेक्टर के कर्मी हैं, हमारे वजह से बिहार सरकार ने विदेश में प्रथम पहराया है, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी अवार्ड लिए हैं, राष्ट्रपति अवार्ड लिए हैं, और हमी को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एक आउटसोर्स एजेंसी आपको क्या कर दिया है, क्या किया है? हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जिसके बल पर आपने विदेश में झंडा फहराया, जिसके बल पर आपके पदाधिकारी अवार्ड लिए, जिसके बल पर आपने डिजिटल बिहार बनाया, उसको आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सजा क्यों भुगत दे रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी बाल बच्चेदार आदमी है, हम लोग परिवार वाले हैं, 12 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, आज आप दक्षता परीक्षा की बात कर रहे हैं। उस पदाधिकारी से मैं यह पूछना चाह रहा हूँ जो 29वीं शासी परिषद के बैठक में निर्णय लिया है कि वह फिर से अपनी एग्जाम दे, वह फिर से मैट्रिक का एग्जाम दे, और जितना मार्क्स उनको मैट्रिक में आया था उतना ही मार्क्स आ जाना चाहिए, अन्यथा हम भी एग्जाम नहीं देंगे। वो एग्जाम दे, हम भी एग्जाम देंगे, हमको भी समय चाहिए एग्जाम देने के लिए। हमसे 12 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है, रात में ड्यूटी कराया जाता है, घर पे हम काम करते हैं, टेक्निकल हैंड के कर्मी है, घर पे आने के बाद में भी हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग तैयारी कर देंगे, एग्जाम कर देंगे। और जब हम ऑलरेडी जब एग्जाम दे कर आए हैं, एक IAS द्वारा गठित कमेटी की अध्यक्षता में हम लोग एग्जाम दिए हैं, और यह एक IAS के सिग्नेचर से IAS के द्वारा हमारा नियोजन हुआ है, तो फिर दूसरी IAS इस नियोजन को सक्षम क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसको ये ऐसे क्यों उसको नियोजन को रद्द कर सकते हैं कि यहाँ की योग नहीं है? एक IAS के सिग्नेचर से हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ और एक किस द्वारा कि नहीं इनको फिर से दक्षता परीक्षा देना होगा, तो कहीं ना कहीं यह एक IAS दूसरे IAS पर सवाल उठा रहा है कि आपके द्वारा जो एग्जाम लिया गया है वह एग्जाम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक IAS पर भी क्वेश्चन उठता है। अगर नीतीश सरकार आप कार्यपालक सहायकों की अगर मांग पूरी नहीं करती है तो आगे की कार्रवाई आप लोगों का क्या होगा? तब तक हमारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे।
हम ये भी चीज उनसे कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज है, इसको पूरी करें, अन्यथा बाद होकर हम लोग अमरन आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे और उग्र होकर हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। रेल चक्का भी जाम करने के लिए तैयार है, हम लोग रोड का चक्का भी जाम कर देंगे। नीतीश कुमार की हम लोग अपनी अवतार दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। गढ़पालक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, गढ़पालक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, गढ़पालक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद।